मुगलों के जमाने की पराठे वाली गली का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन समय की बदलती रफ्तार के साथ पराठे वाली गली में पराठों की दुकान लुप्त होती जा रही हैं। ऐसे में नॉट जस्ट पराठा जैसे रेस्तरां खुलना दिल्ली वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। आइए देखते हैं नॉट जस्ट पराठा में लोगों को वही माहौल, वही पराठों का स्वाद मिल पाता है जो पुरानी दिल्ली के पराठे वाली गली में मिलता है। शोर शराबे से कुछ हटकर पराठे वाली गली के पराठों का स्वाद लेना हो तो दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में बने इस रेस्तरां नॉट जस्ट पराठा में आ जाइए। स्वाद मुगलिया हो तो माहौल भी मुगलिया होना जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखकर रेस्तरां को खास अंदाज में सजाया गया है। ये तख्त, ये हुक्का, ये दरवाजा, ये सोफा मुगल काल की याद दिलाने के लिए काफी है। आपके यहाँ सबसे खास बात क्या है, यानी पराठे जो आप कितने तरीके के बनते हैं और क्या खास है इन पराठों में? देखिए, ये दुनिया में अकेली एक ऐसी जगह है जहाँ 100 से भी ऊपर तरीके के पराठे बनते हैं। एंड तरीके का मतलब है 100 से अलग अलग तरीके के, जैसे कि हमारे यहाँ पॉकेट पराठा है, पिज्ज़ा पराठा है, शराबी पराठा है, ऐसी चीज़ें जो आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी, मतलब बिल्कुल नामुमकिन के बराबर चीज़ें हैं जो हमने एक्सपेरिमेंट्स कर करके बनाई हैं। इसके अलावा हम जोधपुर के पराठे लेके आए हैं, जयपुर के पराठे लेके आए हैं, मुगलई पराठे लेके आए हैं, तो इतनी लिमिट है कि लिमिटलेस हो गए हैं हम लोग। एंड इनफैक्ट हमारा एम है कि बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर वील हैव 200 पराठेज इन द मेन्यू एंड वील बी हैविंग ब्रांचेज ऑल ओवर इंडिया। बैंगलोर एंड ऑस्ट्रेलिया इज द नेक्स्ट थिंग वी आर लुकिंग एट। पराठे के अलावा यहाँ पे लोग और किस किस चीज़ का जायका उठा सकते हैं? देखिए, पराठों के अलावा नाम है इसका नॉट जस्ट पराठाज, खाली पराठे नहीं बेचते हैं यहाँ पर, पुरानी यादें बेचते हैं, साथ में एक पुराना माहौल बेचते हैं। इसके अलावा हमारे पास पूरी रेंज है कबाब्स, करीज, पाकिस्तानी कुजीन की और मुगलई डिशेस की। तो एक एक्सपीरियंस है, देखिए आप इसको आकर आपको जीना पड़ेगा, मतलब आप इसको खाली खा के नहीं जा सकते, आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। इस रेस्तरां में 100 से भी ज्यादा तरीके के पराठों का लुत्फ उठाया जा सकता है। पिज्जा पराठा, पॉकेट पराठा, शराबी पराठा, चूर चूर पराठा, कलाकंद पराठा के साथ यहाँ पर अलग अलग जगहों के खास पराठे भी मौजूद हैं। हर तरह की डिश का स्वाद पराठों में ही लिया जा सकता है। कैसा लग रहा है आपको? देखिए, ये तो आपको यहाँ की जो कस्टमर्स हैं उन्हीं से देख के पता लग रहा होगा कि यहाँ कहीं ज्यादा पसंद आ रहा है। इससे पहले यहाँ दो रेस्टोरेंट इसी बिल्डिंग में थे, इसी प्रीमिसेस में थे। व्हाट वाज दैट? नॉव इज वन एंड देन चक दे। और हमें कभी अंदर कस्टमर ही नहीं नज़र आता था उनमें, और यहाँ नंबर नहीं आता, तो इससे ये महसूस होता है कि काफ़ी पसंद किया जा रहा है। मेन्यू कार्ड की लंबी लिस्ट में से अपने लिए एक पराठा चुनना यहाँ अक्सर बेहद मुश्किल हो जाता है। ऊपर से चना चाट, पंजाबी लस्सी के साथ बर्फी चुस्की मिल जाए तो बात ही कुछ और हो जाती है। खास बात यह है कि यहाँ खाने के लिए लोग अब भी भारतीय अंदाज में हाथों से खाना पसंद करते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ पराठा, चाहे वो पिज्जा पराठा हो या पॉकेट पराठा, दे ऑल अट्रैक्ट मी एंड माय फ्रेंड्स बैक हियर अगेन एंड अगेन। यहाँ पर एक पराठे की कीमत 80 रुपए है। बेशक कीमत ज्यादा हो, पर धीमे धीमे संगीत के साथ मुगलिया माहौल में पराठों का स्वाद कुछ अलग ही लगता है। ये लालटेन, ये पोस्टर्स और ये बर्तन पुरानी दिल्ली की पराठे वाली गली की यादों को तरोताजा करता है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि लोगों के दिलों में आज भी भारतीय संस्कृति और परंपरा के लिए उतना ही इज्जत और सम्मान है जितना कि पहले था। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं शिल्पा अग्रवाल, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।